हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो स्टॉक लेके आ रहा हूं वो स्टॉक एक वैल्यू स्टॉक है। वैल्यू स्टॉक का मतलब है कि वो शेयर मुझे अंडर प्राइस लग रहा है और उस कंपनी के अंदर एक टर्न अराउंड हो रहा है और उसके साथ के जो पीयर्स हैं वो सारे बहुत अच्छे रन अप कर चुके हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट उनके अंदर आ चुका है, बट ये शेयर अभी बचा हुआ है तो मैंने इसको ढूंढा है। और ये शेयर एक्चुअली मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर भी है और इस शेयर के अंदर मुझे क्यों वैल्यू नजर आती है वो मैं आपको सारा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मुझे ये शेयर वैसे भी यहां से ऐसा लगता है कि 200-300% का रन अप आ सकता है इसका आने वाले 2-3 सालों के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मल्टीबैगर स्टॉक के क्राइटेरिया में फिट होता है, इसलिए मैंने इस शेयर को चुना है। इस शेयर का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। पहले इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं नाम दोबारा से बता रहा हूं, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। ऐसी एक दूसरी कंपनी है इलेक्ट्रो स्टील स्टील लिमिटेड, ये मैं स्टील लिमिटेड की बात नहीं कर रहा, कास्टिंग लिमिटेड की बात कर रहा हूं, जो करीबन 35 रुपए का स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अब सबसे पहली बात बताता हूं कि ये जो कंपनी है ये क्या बिजनेस करती है। ये कंपनी जो है डक्टाइल पाइप बनाती है और डक्टाइल पाइप बनाने वाली में इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इस तरीके के बिजनेस में लगी हुई है। इसी तरीके की जो पाइप है वो कंपनियां भी बनाती है जो कि इंडिया के अंदर है, जैसे वेल्प्समन ग्रुप बनाता है, इसके अलावा जो है मैन इंडस्ट्रीज इस तरीके के पाइप बनाती है और बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इस तरीके की जो कंपनी है उसमें मैंने इसको चुना क्यों, तो इस कंपनी की सबसे पहली बात है कि ये जो कंपनी है 280,000 मीट्रिक टन का डक्टाइल पाइप इसका जो पिछले साल था वो इसका प्रोडक्शन। ये जो कंपनी है इसकी जो 9 सब्सिडरी कंपनीज हैं जो ट्रेडिंग के बिजनेस में लगी हुई हैं, और आपको ये जो शेयर है इसके अंदर जो मैं आप सबसे बड़ी वैल्यू जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। ये जो कंपनी है इस कंपनी की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1250 करोड़ रुपए। 1250 करोड़ रुपए की कंपनी है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। अब इस कंपनी का एक इसी स्टील का बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनी जो इसके ग्रुप कंपनी है, जो कि लोग जानते नहीं है कि वो इसकी ग्रुप कंपनी है, उस कंपनी के अंदर इसका 48.5% होल्डिंग है। 48.54% होल्डिंग इस कंपनी की उस कंपनी में, और उस कंपनी का नाम सुनिएगा ध्यान से, श्री कला हस्ती पाइप। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इस शेयर को ओन करते हैं तो पाइप की बनाने वाली डक्टाइल पाइप की एक दूसरी बेहतरीन कंपनी जो कि इसी ग्रुप की कंपनी है श्री कलास्ती पाइप, जो पहले लैनको पाइप्स के नाम से, लैनको इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती थी, उस कंपनी के अंदर इसका 48.54% होल्डिंग है और उस कंपनी की मार्केट कैप है 1585 करोड़ रुपए। यानी कि उस कंपनी के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें और इसकी होल्डिंग से अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो 770 करोड़ रुपए की वैल्यू इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की केवल इसी बिजनेस से आ जाती है। यानी कि 770 करोड़ रुपए की अगर आप इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग को खरीदते हैं तो आप यह समझिएगा कि आप 50% श्री कला हस्ती पाइप का शेयर भी आप खरीद रहे हैं, क्योंकि 48.54% होल्डिंग इसके पास है। तो 770 करोड़ रुपए अगर 1250 करोड़ में से आप माइनस कर दें तो आप देखिएगा कि जो वैल्यू बचती है वो करीबन 480 करोड़ बचती है। अब मैं दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूं, अब इसी के पास एक दूसरी एसोसिएट कंपनी है जिसके अंदर इसकी होल्डिंग है, हालांकि वो एक सिक कंपनी है, एक बीमार कंपनी है वो, लेकिन फिर भी उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1300 करोड़ रुपए। अब उस कंपनी का नाम सुनिएगा जिस कंपनी के अंदर इसकी 45.23% होल्डिंग है और उस कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील स्टील लिमिटेड, यानी कि इलेक्ट्रो स्टील स्टील लिमिटेड। यानी कि उस कंपनी को और इस कंपनी को हम आपस में कभी एक दूसरे की जगह भी समझ लेते हैं, मैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की बात कर रहा हूं और इलेक्ट्रो स्टील स्टील लिमिटेड के अंदर 45% होल्डिंग है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड की। अब वो इलेक्ट्रो स्टील की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज की डेट में वो है 1300 करोड़ रुपए, और 1300 करोड़ रुपए में अगर हम 45% होल्डिंग को अगर कैलकुलेट करें तो वो आती है 588 करोड़, यानी कि 588 करोड़ रुपए। जबकि आप ये देखिएगा इन दोनों कंपनीज की वैल्यू को ही अगर आप इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में जोड़ देंगे तो वो इसकी प्रेजेंट में मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है। तो यानी कि आप ये देखिएगा कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का जो प्रोडक्शन है, जो उसकी 9 सब्सिडरीज हैं जो इंटरनेशनली काम करती हैं ब्राजील के अंदर, स्पेन के अंदर, यूएसए के अंदर, वो बिजनेस और जो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का बिजनेस है वो फ्री में मिल रहा है। तो
तो आप देखिएगा इस शेयर के अंदर एक अंडरप्राइज्ड है, अंडरवैल्यूड स्टॉक है, एक वैल्यू बचती है। अब दूसरी बात है कि जो स्टील का जो बिजनेस है ये एक टर्न अराउंड हो रहा है, तो अगर आप देखिएगा वो सारी की सारी जो स्टील कंपनीज हैं उनके प्राइस मूवमेंट के अंदर जो पाइप बनाती है वो सारी पाइप बनाने वाली कंपनियों के शेयर प्राइस देखिएगा कि 2-3 times और कुछ शेयर प्राइस तो 5 times तक हो गए हैं, जिसमें से कुछ शेयर मेरे भी पर्सनल पोर्टफोलियो में था, जैसे कि मैन इंडस्ट्री का शेयर मैंने 50 रुपए पर कभी बाय किया था और उससे मैं एग्जिट कर गया हूं करीबन 100 रुपए के आसपास, वो भी 130 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो देखिएगा वहां पर भी जो वैल्यू थी उसको भी उन्होंने क्रॉस करने के बाद भी इस शेयर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आई है। यह शेयर 20 से 35 रुपए 40 रुपए के बीच में ही ट्रेड कर और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। अगर हम इस शेयर को अगर आज खरीदते हैं तो हमें पता चलता है कि ये शेयर हमारे को जो वैल्यू दे रहा है वो श्री कलास्ती पाइप और इलेक्ट्रो स्टील स्टील लिमिटेड से ही पूरी हो जाती है और इसका बिजनेस हमें ऑलरेडी फ्री में मिल रहा है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी वास्तव में क्यों पोर्टफोलियो में आपको रखनी चाहिए बाय करने के लिए। देखिएगा सबसे पहली बात यह है कि इसका जो खुद का प्रोडक्शन है वो 280,000 मीट्रिक टन है, खुद का कंपनी का खुद का, यानी कि जो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड है। दूसरी बात है ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हालांकि जो इलेक्ट्रो स्टील स्टील लिमिटेड है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन उसकी वैल्यू भी 1300 करोड़ रुपए, जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसकी वैल्यू अगर इसमें कैलकुलेट करें तो 588 करोड़ रुपए। अब बात यह कि शेयर अंडरप्राइज्ड क्यों है, क्योंकि देखिए इन्होंने कोल ब्लॉक्स के अंदर बोली लगाई थी और इनको कोल माइंस अलॉट भी हुई थी, जिसके अंदर ये जो कोल स्कैम था उसके अंदर ये कंपनी फंस गई थी, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं। लेकिन अगर इसके दूसरे ग्रुप की कंपनी अगर आप देखें श्री कलास्ती पाइप, उसमें लोग बाय कर रहे हैं जबकि प्रमोटर्स जो है वो दोनों कंपनीज के सेम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर की जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड है। दूसरी बात है ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है पिछले 3 से 4 साल से और ये शेयर हालांकि मेरे प्राइस से अभी डबल हो गया है, लेकिन यहां पर आप देखिएगा कि जो ये कंपनी मैंने जो 3-4 साल से हर साल कंपनी ने मुझे डिविडेंड पे किया है, यानी कि रेगुलर डिविडेंड पे करने वाली है, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है और इसकी जो वैल्यू है इसकी सब्सिडियरी कंपनीज के अंदर ही वो वैल्यू प्रेजेंट में इसकी कम है। अगर जो इसके एसोसिएट्स की वैल्यू हम लगा रहे हैं जिसको मैंने अभी आपको सब्सिडियरी बोल दिया था, तो जो इसकी एसोसिएट्स हैं श्री कलास्ती पाइप और इलेक्ट्रो स्टील स्टील लिमिटेड, उन दोनों की वैल्यू को अगर हम कंसिडर करें तो इसकी प्रेजेंट मार्केट कैप से वो ज्यादा है। और जो श्री कलास्ती पाइप है उसमें बहुत बड़े इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है, जैसे कि आप जानते हैं डोली खन्ना जी की जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके अंदर है श्री कलास्ती पाइप के अंदर। इस कंपनी में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर अभी तक नहीं है, हालांकि एक म्यूचुअल फंड से आईसीआईसीआई का डायनेमिक प्लान उसकी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर है। तो मैंने ये जो शेयर है क्यों लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि शेयर के अंदर वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। हालांकि मेरे पैसे डबल हो गए हैं लेकिन मुझे अभी भी इसके अंदर वैल्यू लगती है। तो इसके जो अभी प्रेजेंट में जो प्लांट है, 3 प्लांट इनके वेस्ट बंगाल के अंदर है, 1 प्लांट इनका तमिलनाडु के अंदर है और इसके अलावा जो इसकी कैप्टिव पावर यानी कि जो इनको पावर चाहिए होती है पाइप बनाने के लिए, ये उसको भी खुद सेल्फ जनरेट करते हैं, हालांकि खुद कुछ ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी लेते हैं। तो वेल जो है एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है और जो इसकी इलेक्ट्रो स्टील स्टील लिमिटेड है जो कि सिक कंपनी है, उससे इसको रॉ मटेरियल की उपलब्धता हो रही है, जो कि इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रही है और श्री कलास्ती पाइप को भी रॉ मटेरियल दे रही है। हालांकि तो आप ये देखिएगा कि रॉ मटेरियल के फ्रंट पर भी इनको कोई दिक्कत नहीं है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो स्टील की स्टोरी है वो टर्न अराउंड हो रही है चाइना की वजह से, जैसा कि आप पिछले 4 से 5 महीने में देख रहे हैं जो सारी स्टील कंपनीज के प्राइस के अंदर मूवमेंट आई है वो भी आपको नजर आएगी। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इस शेयर पर आप अपनी नजर डालिएगा, लेकिन इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से जस्ट पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा और अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर उपलब्ध नहीं है तो आप खुद अपनी रिसर्च करिएगा, आप खुद रिसर्च करिएगा, खुद इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिएगा और उसके बाद ही निवेश करिएगा। क्योंकि देखिए जब आप निवेश करते हैं तो पैसा आपका लगता है तो रिस्क भी आपका होता है, तो निवेश करने से पहले सोचकर समझकर और फिर ही निवेश करें। बट मुझे ऐसा लगा है कि क्योंकि ये जो शेयर्स है इसके अंदर अभी वैल्यू है, ये अंडरप्राइज्ड है, इसलिए मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है और इससे मैंने अभी एग्जिट नहीं किया है। जब मुझे लगता है कि मेरी वैल्यू आ गई है मैं एग्जिट कर जाता हूं, तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये शेयर एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है और ये अभी जो 35 रुपए मुझे लगता है 2 से 3 साल में बड़े इजीली 100 रुपए का जो टारगेट है वो अचीव कर सकता है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो इस तरीके का है और जिस तरीके की इसकी जो एसोसिएट्स है या जो इसकी सब्सिडरीज है जिस तरीके से काम करती है वो बेहतरीन है। इसके अलावा केजरीवाल फैमिली जो इसको चलाती है उनके साथ भी कोई ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज कभी रहे हैं, हालांकि ये जो कोल स्कैम था उसकी वजह से थोड़ा सा इस कंपनी के ऊपर
डेंट पड़ा है, नहीं तो इस वैल्यूएशन के ऊपर इस तरीके की कंपनी आपको नहीं मिलती। यही रीजन है कि यह कंपनी इस समय बाजार के अंदर एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और अंडर वैल्यूड स्टॉक ही एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बेहतरीन होता है, उसी के अंदर वैल्यू होती है, उसी के अंदर एक प्राइस अप्रिसिएशन के चांसेस होते हैं। तो मैं अपनी बात यहां पर खत्म करता हूं, और मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो आपको भविष्य में मिलती रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।